हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस बी टू द होल पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0, देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे। अगर हमें दे रखा है ए प्लस बी टू द होल पावर एन, ठीक है, तो इसका जनरल टर्म यानी कि टी आर प्लस वन इक्वल टू होगा एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें दे रखा है ए माइनस बी टू द होल पावर एन में सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। तो अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो टी आर प्लस वन से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टी आर की वैल्यू रखेंगे 4, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है, एन है, तो यहाँ आ जाएगा एन सी 4, ए की वैल्यू ए ही है तो यहाँ आ जाएगा ए टू द पावर एन माइनस 4, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, तो माइनस बी की पावर कितनी आ जाएगी, 4। ये तो हो जाएगा फिफ्थ टर्म, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, इनका सम किसके साथ में, सिक्स्थ टर्म के साथ में। सिक्स्थ टर्म कितना हो जाएगा, एन सी 5 ए टू द पावर एन माइनस 5 और माइनस बी टू द पावर 5, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। एन सी 4 की वैल्यू में हम एन सी आर का फॉर्मूला लगा दे, देन वी गेट फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एन माइनस 4, ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस 4 माइनस बी टू द पावर 4 है, तो माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो यह आ जाएगा बी टू द पावर 4 प्लस एन सी 5 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 5। अब देखिए फैक्टोरियल 5 में 5 को बाहर लिख लें तो यहाँ कितना बच जाएगा, इन टू में फैक्टोरियल 4, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर आएगा एन माइनस 5, तो इसको लिख लेंगे एन माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर कितना है, ए टू द पावर एन माइनस 5, और यहाँ पर इवन है 5 या ऑड है, ऑड है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस बी टू द पावर 5 इन टू में इक्वल टू में कितना है, 0। अब देखिए इनमें हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। सबसे पहले तो फैक्टोरियल एन कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन लेकर के 0 में भेज देंगे। इसके अलावा फैक्टोरियल 4 कॉमन मिल रहा है, इसको भी कॉमन लेकर के 0 में भेज देंगे। देन वी गेट 1 अपॉन एन माइनस 4 को अगर बाहर लिख लें तो बचेगा फैक्टोरियल एन माइनस 5, ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस 4 है, ठीक है, इंटू बी टू द पावर 4 है, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहां पर फैक्टोरियल एन 0 में चला गया, कितना बचेगा, 1 अपॉन 5 और फैक्टोरियल एन माइनस 5 ए टू द पावर एन माइनस 5 को लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन माइनस 4 अपॉन ए, ठीक है, और इंटू बी टू द पावर 5 इक्वल टू 0। अब देखिए एन माइनस 5 फैक्टोरियल, एन माइनस 5 फैक्टोरियल भी कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा, ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस 4 ए टू द पावर एन माइनस 4 भी कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा, और यहाँ से बी टू द पावर 4 भी कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, केवल 1 अपॉन एन माइनस 4 माइनस, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन 5 बचेगा, ये 0 में चला गया, ये 0 में चला गया, तो 1 अपॉन यहाँ पर a बचेगा और ऊपर कितना बचेगा, b, ठीक है, तो ये इक्वल टू में आ गया। अब यहां से अगर हम b अपॉन a की वैल्यू निकालें तो देखिए कितनी आएगी, 1 अपॉन n माइनस 4 इज इक्वल टू b अपॉन 5a। यहां से अगर हम देखिए वैल्यू निकालें b अपॉन a की, तो b अपॉन a इक्वल टू कितना आ जाएगा, b अपॉन a इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन n माइनस 4, और हमें वैल्यू पूछी गई है a अपॉन b की, तो a अपॉन b इक्वल टू कितना आ जाएगा, n माइनस 4 अपॉन 5, विच इज ऑप्शन नंबर d। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन d। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।